खबर पूरे संथाल परगना से। गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत कुमारडोए गांव की 3 बच्चियों की मौत शुक्रवार की दोपहर तालाब में डूबने से हो गई। गांव के कुल 5 बच्चे तालाब की ओर गए थे, इसमें से 2 किशोर तालाब के बाहर खड़े थे। 3 बच्चियां तालाब में स्नान करने लगी, इसी क्रम में वो गहरे पानी में चली गई और अचानक वो डूब गई। बाहर खड़े दोनों बच्चे के चीख पुकार पर परिजन व ग्रामीण तालाब की ओर दौड़े आए। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया। बाद में तीनों मृत पाई गई। घटना स्थल पर देखने वाले की भीड़ जमा हो गई। परिजन का रो रोकर बुरा हाल हो रहा है। मृत बच्चियों का नाम इस प्रकार है। 10 वर्षीय आशा कुमारी, पिता विनोद उरांव। 11 वर्षीय छोटी कुमारी, पिता राजेंद्र उरांव। 9 वर्षीय नंदिनी कुमारी, पिता शिवन उरांव। तीनों इटहरी पंचायत के गाँव कुमरडोई की रहने वाली थी। पहाड़िया जनजाति की नाबालिग से गैंगरेप में महताब अंसारी नामक युवक गिरफ्तार। गोड्डा जिले के पहाड़िया जनजाति की नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। कथित तौर पर कुल 4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में अभी तक पुलिस महताब अंसारी नाम के आरोपित को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। गोड्डा जिले के पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि सामूहिक बलात्कार की यह घटना सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली घटियारी गांव की है। पुलिस अभी तक इस घटना के मामले में महताब अंसारी नामक युवक को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपित महताब अंसारी मूल रूप से घटियारी गांव का ही रहने वाला है। झारखंड में कोरोना से 6 की मौत एक गोड्डा से भी है। 1261 नए पॉजिटिव। कोरोना वायरस से शुक्रवार को 6 मरीजों की मौत हो गई। इनमें जमशेदपुर व पश्चिमी सिंहभूम से 2-2 और धनबाद व गोड्डा से 1-1 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 661 की मौत हो चुकी है। वहीं 1261 नए संक्रमित मिले हैं। 1270 स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 77,709 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 64,515 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 12,533 एक्टिव केस है। देवघर से 20 घंटे बाद मुक्त हुई पथरा गांव की किशोरी। माल व नकदी के साथ उठा ले गए थे डकैत। देवघर जिले के पथरौल थाना क्षेत्र के पथरा गांव में गुरुवार की रात पुलिस वर्दी में आए अपराधियों ने राजेंद्र दास के घर में लूटपाट की और उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को अगवा कर लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने राजेंद्र की जमकर पिटाई की। रात में ही लूटे गए मोबाइल से राजेंद्र के रिश्तेदारों पर फोन कर 20 लाख की फिरौती मांगी गई। अपराधी सफ़ेद रंग की 4 पहिया गाड़ी से आए थे। पुलिस दबिश के कारण शुक्रवार देर शाम करीब 20 घंटे बाद अपहर्ता किशोरी को मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया। घर वालों ने राहत की सांस ली। धूमधाम से मनाई गई आदरणीय पंडित दीनदयाल की जयंती। महान देशभक्त, प्रखर वक्ता, राष्ट्रीय नेता एवं हमारे पथ प्रदर्शक आजाद शत्रु आदरणीय पंडित दीनदयाल जी की जयंती मंडल स्वागत अध्यक्ष बलराम राय की अध्यक्षता में मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रघुनाथ रजक, प्रभु दयाल वर्मा, मुकेश शर्मा, पंचानंद शर्मा, विजय ठाकुर, चंद्रकांत सिंह, टुनटुन पंडित, कांग्रेस यादव, वरुण तांती, मंजीत अंसारी इत्यादि कार्यकर्ता शामिल हुए। खबर है साहेबगंज से। 6 महीने बाद साहेबगंज से जमालपुर के बीच IMU का परिचालन शुरू। अब चलेगी पैसेंजर ट्रेनें। साहेबगंज से जमालपुर के बीच चलने वाली DMU 6 महीने बाद शनिवार को पटरी पर लौट गई। यह पैसेंजर ट्रेन सुबह 7:05 पर साहेबगंज स्टेशन रवाना हुई। कोरोना के कारण 22 मार्च को रेलवे द्वारा देश में पैसेंजर ट्रेनों पर परिचालन रोक के बाद यह ट्रेन बंद थी। पहले यह ट्रेन डीजल इंजन चलती थी। लॉकडाउन के दौरान साहेबगंज भागलपुर रेलखंड का विद्युतीकरण किया गया। इसके बाद यह ट्रेन बिजली से चलने शुरू हुई। IMU सवारी गाड़ी बिहार से भागलपुर होते हुए जमालपुर से आगे क्यूल तक जाएगी, रात में लौटकर वापस आएगी। हालांकि जमालपुर के बाद इसका नंबर बदल जाएगा। बिजली से परिचालन होने के कारण ट्रेन का स्पीड बढ़ गई है, इसीलिए नियत समय पर गंतव्य तक पहुंचेगी। पहले दिन 170 टिकट बिके। ट्रेन में 8 बोगी हैं। डायवर्सन को पार करने के दौरान युवक पानी के तेज बहाव में बहा, बाइक बरामद। बढ़रवा थाना क्षेत्र स्थित लिंक केबिन के पास एक युवक पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बह गया। घटना शुक्रवार शाम की है। हादसे की सूचना पर पहुंचे लोगों ने युवक की काफी तलाश की पर वो नहीं मिला। वहीं शनिवार की सुबह घटनास्थल से युवक की बाइक बरामद की गई।
युवक की पहचान तीन पहाड़ी निवासी के रूप में की गई। शुक्रवार को युवक बाइक से लिंक केबिन के पास पहुंचा। इसी दौरान आगे निर्माणधीन पुल के पास डायवर्जन को पार करना चाहा। डायवर्जन से बाढ़ के पानी का तेज बहाव था और युवक बाइक समेत इसमें बह गया। महेशपुर गड़बड़ी को लेकर अंचलाधिकारी ने प्रज्ञा केंद्र को किया सील। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। महेशपुर उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना में पैसे लेकर बिना जांच किए एक ही परिवार के सभी सदस्यों जिसमें महिला एवं बच्चे शामिल हैं का गलत ढंग से एंट्री करने के खिलाफ सीओ रितेश जायसवाल ने सीआई देवकांत सिंह के साथ मिल अंचल के इंग्लिश पाड़ा सोनारपाड़ा तथा घनश्यामपुर गाँव स्थित कुल 12 प्रज्ञा केंद्रों का छापेमारी कर निरीक्षण किया। सीओ रितेश जायसवाल ने बताया कि घनश्यामपुर गांव स्थित प्रज्ञा केंद्र में पैसे लेकर गलत ढंग से एंट्री करने की शिकायत सही पाई जाने पर उक्त प्रज्ञा केंद्र सील कर दिया गया। फोर लेन होगा देवघर एयरपोर्ट का कनेक्टिंग रोड। 12.5 करोड़ की लागत से तैयार होगी 1 किलोमीटर की सड़क। इस पर निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि हर एयरपोर्ट बनेगा संथाल परगना के गौरव व विकास का सारथी। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा देवघर एयरपोर्ट। सभी का आभार। आईएसएम धनबाद के साथ मिलकर दवाइयों और बीमारियों का रिसर्च करेगा देवघर एम्स। इस पर निशिकांत दुबे बोले कि देवघर एम्स में दीपावली से SOTP शुरू होने के साथ ही बीमारी व दवाइयों का शोध कार्य भी शुरू होगा जिसका लाभ पूरे संथाल परगना को मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र मंत्री अमित शाह जी, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आभार। खबर है जामताड़ा के मिहिजाम से। मिहिजाम में वनस्पति घी फैक्ट्री में आयकर विभाग ने मारा छापा। मिहिजाम वनस्पति लिमिटेड फैक्ट्री में शुक्रवार को इनकम टैक्स ने छापा मारा। टीम ने कंपनी के आय व्यय से जुड़ी दस्तावेज जब्त कर लिए। कंप्यूटर हार्ड डिस्क को खंगाला। कंप्यूटर में मौजूद कागजात की फोटोकॉपी निकाली गई। कंपनी कच्चा माल कहां कहां से खरीदती है और कहां कहां बेचती है इसका विवरण लिया गया। आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि कंपनी अपनी वास्तविक कमाई छुपाकर रिटर्न दाखिल करती है। इसके बाद कोलकाता आयकर विभाग अधिकारियों की अगुवाई में छापेमारी टीम गठित हुई। टीम में रांची और धनबाद के अधिकारियों को शामिल किया गया। उसके बाद सुबह टीम ने कंपनी परिसर में दबिश दी। मिहिजाम वनस्पति फैक्ट्री में वर्तमान में ममता डालडा नामक खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। कंपनी में करीब 110 कर्मचारी कार्यरत हैं। कंपनी में पूर्व में भी आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। इससे पूर्व छापेमारी टीम ने कंपनी परिसर में पहुंचते ही मुख्य गेट बंद करवा दिया। फिर कंपनी के मालिक को सूचना देकर बुलाया गया। कंपनी ऑफिस के एक एक कमरे में खुलवा कर तलाशी ली गई। छापेमारी देर रात तक जारी थी। खबर है रांची से। साइबर ठगों से जाने कैसे नकेल कसेंगे झारखंड के युवा। साइबर ठगी के मामले में झारखंड पूरे देश में कुख्यात है। खासकर राज्य के जामताड़ा जिले को लेकर हमेशा बदनामी होती रही है। अब झारखंड के युवा ही इन साइबर ठगों पर नकेल कसेंगे। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के बीच डाटा की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से लगातार हैकिंग, डाटा लीक एवं साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए युवा को साइबर सुरक्षित से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई है। साइबर ठगी पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से युवाओं को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं और स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की सुविधा दी गई है। 15 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई है। झारखंड के युवा रजिस्ट्रेशन कराकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।